हेलो एवरीवन, राधे राधे। आज की इस वीडियो में हम लोग गणपति बापा की मूर्ति को कलर करने वाले हैं। कई बार हम इको फ्रेंडली की वजह से जो है ना इस तरह की मूर्ति ले आते हैं जो मिट्टी की दिखती है और हमें जो है ना फीकी फीकी सी लगती है। तो चलिए आज इनको हम सजा लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने कुछ ब्रश ले लिए हैं, पानी ले लिया है और मैं ये जो कलर कर रही हूँ वो मैं एक्रेलिक कलर से कर रही हूँ। आप कोई भी वाटर कलर भी ले सकते हैं। सबसे पहले हम इन्हें ना पूरा वाइट कर देंगे। तो आप वाइट कलर का एक बेस कर दीजिएगा। व्हाइट कलर करने से क्या होगा, आप जो भी कलर करेंगे ना फिर वो कलर बहुत अच्छे से खिल के आते हैं। और अगर आप बेस व्हाइट कलर नहीं करते हैं तो फिर आपके कलर ना दबे दबे आएंगे, बहुत ज़्यादा खिल के आपके कलर नहीं आएंगे। तो आप अच्छे से व्हाइट कोट कर दीजिएगा। और अगर आपको लगे ज़रूरत है तो आप दो कोट भी कर सकते हैं। और ना बहुत ज़्यादा पानी मत मिलाइएगा वरना जो है ना आपकी मिट्टी से वो मटमैला सा रंग हो जाएगा व्हाइट ही। अब हम इनके ऊपर स्किन कलर करेंगे। तो अगर आपके पास स्किन कलर है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आप वाइट कलर के अंदर ना बिल्कुल हल्का सा ऑरेंज का एक बिल्कुल हल्का सा टिंट डाल दीजिएगा तो आपका स्किन कलर तैयार हो जाएगा। अगर आपको ज़्यादा डार्क लग रहे हैं तो थोड़ा और वाइट मिला लीजिएगा। तो इस तरह से आप घर पे भी बहुत आसानी से स्किन कलर बना सकते हैं, या अगर आपके पास कोई एक आधा कलर नहीं है तो मिक्स करके आप बहुत आसानी से कलर्स बना सकते हैं। हल्का सा ड्राई होने देंगे। उसके बाद मैं धोती में कलर कर रही हूँ येलो कलर। आप अपने हिसाब से रेड, ऑरेंज, ब्लू, पर्पल कोई भी कर सकते हैं। तो इस तरह से बहुत फिनिशिंग के साथ हम लोग कलर कर लेंगे। आप बाहर से मूर्ति लाके भी इस तरह कलर कर सकते हैं, या अगर आपने घर पे खुद से मिट्टी से बनाई है तो भी आप कलर कर सकते हैं इस तरह से। और इस तरह से हम लोग कलर कर लेंगे। अब यहाँ मैंने ये जो बचा हुआ येलो कलर है ना इसमें हल्का सा बिल्कुल रेड कलर डाला है और एक अलग सा ही कलर बन गया है। इससे हम जो है धोती के जो ये फोल्ड आ रहे हैं ना, कट आ रहे हैं, इसके बीच में शेडिंग करेंगे जो देखने में बहुत सुंदर भी लगती है और थोड़ा सा ना आपका जो धोती वगैरह है उसको ना अलग से उभारेगी, बहुत प्यारा लगता है। यहाँ भगवान जी के पटके के लिए मैंने ब्लू कलर चूज़ किया है। थोड़ा येलो के साथ ब्लू ना उठ के आएगा डार्क कलर। और मेरे बेटे का भी बहुत मन था करने का, उसे पेंटिंग ड्राइंग करना अच्छा लगता है, तो मैंने कहा चलो उस साइड तुम कर लो। तो बच्चों को भी इस तरह से ना हमें अपने साथ बिठा के करवाना चाहिए, उससे उनको भी अच्छा लगता है। और बैठे बैठे उनसे आप भगवान जी की बातें शेयर कर सकते हैं, कहानियाँ बता सकते हैं जो कि उन्हें सुनने में भी मज़ा आता है और उनका इंटरेस्ट भी बढ़ता है। पगड़ी के लिए यहाँ हमने रेड कलर किया है। तो बेसिक कलर तो बेटे से करवा लिया था, बाकी फिनिशिंग का जो काम है वो मैं ही करूँगी। नीचे मैंने यहाँ पे ग्रीन कलर यूज़ किया है। थोड़े अगर आप अलग अलग कलर यूज़ करेंगे ना तो बहुत ही अच्छा लगता है, खिल के आती है। जो भी मूर्ति होती है ना उसमें कई कलर होने चाहिए, एक कलर होता है ना तो सिंपल सी लगती है। तो यहाँ मैंने ग्रीन कलर से इस तरह से जो है नीचे जो उनका सिंहासन है वो कुछ फूल जैसा था तो मैंने उसे ग्रीन कलर करके फिर उसके अंदर डार्क मजेंटा कलर के इस तरह से ये पत्ती बना दी। आप चाहें तो इसे सूरजमुखी वाला फूल भी बना सकते हैं, पर क्योंकि मेरी धोती येलो कलर की थी इसीलिए मुझे लगा येलो येलो ही हो जाएगा, तो मैंने इन्हें पिंक कलर कर दिया है। तो अच्छे से डार्क पिंक कलर मैंने यहाँ पे लिया है, मजेंटा कलर भी आप बोल सकते हैं। और फिर जो डार्क मजेंटा कलर था उसी में हल्का सा मैंने वाइट मिलाया और धीरे धीरे करके ही हमें मिलाना है। आप कोने से शुरू करें और उसके बाद धीरे धीरे बढ़ा लें। तो देखिए ये पिंक कलर सा हो गया है। तो यही पिंक कलर पहले मैं उनके जो है ना कानों में, अंदर की साइड, हाथों में और पैरों में, सूंड के अंदर की तरफ कर दूंगी। तो आप भी जब कलर करें ना तो माइंड में ये ध्यान रखें कि अब ये जो मैंने कलर बना लिया है वो और कहाँ कहाँ यूज़ होने वाला है। तो इस तरह से आप बीच बीच में जहाँ जहाँ भी चीज़ें यूज़ होंगी ना वहाँ वहाँ इस तरह से पहले कलर करते रहें। तो देखिए इस तरह से मैंने कलर कर दिया है और फिर इसी पिंक कलर से जो मैंने नीचे फ्लावर बनाया ना इसमें शेडिंग कर दूंगी। अब आती है सबसे डिफ़िकल्ट पार्ट की बारी। तो फेस पे कलर जब आप करें ना तो बहुत ध्यान से कीजिए क्योंकि बहुत छोटे छोटे से जो है ना नैन नक्श होता है। और आप हाथ बिल्कुल स्टेबल रखिए, धीरे धीरे करना है आपको आराम से। वीडियो में आपको थोड़ा फास्ट दिख रहा होगा लेकिन बहुत आराम से करना है आपको। पतला ब्रश यूज़ करना है बिल्कुल। और अगर आपका ब्रश थोड़ा मोटा है तो आप अपने ब्रश के जो धागे हैं ना वो थोड़े से कट कर दीजिए, उस तरह से पतला कर लीजिए और फिर आप उसको इस तरह से पेंट करिए।
गोल्डन कलर से इस तरह से हल्का हल्का हम जो है थोड़ी डिटेलिंग दे देंगे, और जो भी इन्होंने अपने गले में सेट वगैरह पहने हैं उनको भी अच्छे से इस तरह गोल्डन कलर कर दें। आप चाहे तो रेड ग्रीन येलो मिक्स करके भी कर सकते हैं। तो लो हमारे गणपति तो तैयार हो गए हैं। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो, पसंद आई हो, तो शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ, और वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। राधे राधे।